हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें से कुछ जो है न्यूमेरिकल बच गया था उसको जरा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आज जो क्वेश्चन लिया है उसमें है हाउ मच वर्क इज डन, मतलब क्या है कितना काम हुआ है पता करना है। तो डब्ल्यू निकालना है व्हेन वन कूलम्ब ऑफ चार्ज इज मूव्ड, मतलब क्या हो गया चार्ज कितना है जो मूव कर रहा है। चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, ये वन कूलम्ब है। मूव्स अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है हमारे पास कितना है वन वोल्ट। ठीक है, बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन बताया भी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, यही है फॉर्मूला। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इंटू क्यू हो गया। तो वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वन वोल्ट, और चार्ज कितना है वन कूलम, दोनों गुना होगा क्या आएगा वन जूल, कितना आएगा वन जूल। ठीक है, वन जूल हो गया, क्लियर। यानी वर्क कितना हो गया, वर्क डन कितना हो गया, देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू वन जूल, इतना वर्क जो है वर्क डन होगा। ठीक है, उसका दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ट बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज वन वोल्ट, मतलब कोई दो पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट का ये वायर है, सर्किट है, उस सर्किट का दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है वन वोल्ट, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ। इसका मीनिंग है कि वोल्टेज क्या होता है वर्क डन, वन वोल्ट का मीनिंग हो गया वन जूल पर कूलम, यही ना हुआ, यानी वन जूल अपॉन वन कूलम, यही होगा इसका मीनिंग। वन वोल्ट का मतलब वन जूल पर कूलम, ठीक है, वन जूल बाय वन कूलम, यही ना होगा, वन जूल हो गया वर्क डन और चार्ज हो गया वन कूलम, तभी तो वन होगा ना, वन वोल्ट का मतलब यही होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि वन कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में वन जूल ऑफ वर्क डन होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वन कूलम चार्ज को एक पॉइंट से, वन वोल्ट का मीनिंग क्या हुआ, वन वोल्ट का मीनिंग हुआ कि वन कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वन जूल ऑफ वर्क डन होता है। वन वोल्ट मीन्स, वन वोल्ट मीन्स when one coulomb of charge is moved from one point to another point, in this process there will be a work done equivalent to one joule. ठीक है, this is the meaning of one volt. Clear? So what is the meaning of one volt? One volt is the potential difference which indicates that one coulomb of charge is moved from one point to another point. While doing one joule of work, while doing one joule of work, एक joule of work किया है, ठीक है, इसीलिए इसका meaning हुआ one joule per joule. Okay? तो अब हम लोग जो आगे के topic को deal करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे electric current. हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो पुराने जमाने में तो हम लोग को मालूम नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पुराने जमाने में चार्ज की ही बात करते थे, इसलिए चार्ज के बेसिस पे ही मेनली इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन होता है। इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, जैसे कि कोई भी सर्किट है या कोई जो है ऐसा चीज है, कोई भी बॉडी है, दो बॉडी है, वो चार्ज बॉडी है,
एक चार्ज बॉडी ए है, दूसरा चार्ज बॉडी ए है ना, चार्ज्ड बॉडी, ये भी है चार्ज्ड बॉडी, चार्ज्ड बॉडी, दोनों जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में है, चार्ज्ड बॉडी। ऐसे ये दोनों चार्ज बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, एक वायर के थ्रू जोड़ देते हैं, दोनों चार्ज बॉडी को क्या करते हैं, एक वायर के थ्रू जोड़ देते हैं, ये वायर है, ठीक है, ये चार्ज बॉडी है, ये भी चार्ज बॉडी है। इसका पोटेंशियल मान लेते हैं कि हाई है वी टू, इसका पोटेंशियल वी वन है ना, ये लो पोटेंशियल है और ये हाई पोटेंशियल है, ठीक है, लो पोटेंशियल, दो चार्ज बॉडी है, एक ये है और दूसरा ये है, ये चार्ज बॉडी लो पोटेंशियल है, ये जो चार्ज बॉडी है इसका पोटेंशियल हाई है, तो और इस दोनों चार्ज बॉडी को हम आपस में एक वायर के थ्रू जोड़ देते हैं, एक मेटालिक वायर के थ्रू जोड़ देते हैं, ये क्या है मेटालिक वायर, ये है मेटालिक वायर, मतलब कोई भी मेटल का वायर है उससे हम जोड़ दिए इस दोनों को, दोनों ही पोटेंशियल को, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिए। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि इधर ये जो हाई पोटेंशियल है लो पोटेंशियल के तरफ चार्ज का मूवमेंट होता है, लो पोटेंशियल टू हाई, ये इधर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूवमेंट ऑफ चार्ज, क्या ऑब्जर्व करते हैं, मूवमेंट ऑफ चार्ज, मूवमेंट ऑफ चार्ज हो रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ मूवमेंट ऑफ चार्ज हो रहा है, और ये मूवमेंट ऑफ चार्ज तब तक होते रहता है जब तक इसका पोटेंशियल घटते घटते इसके बराबर नहीं आ जाए, इसका पोटेंशियल जब ये मूवमेंट शुरू होगा, जब चार्ज का मूवमेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ होने लगेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जब चार्ज का मूवमेंट होने लगेगा, तो धीरे धीरे इसका पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा और इसका पोटेंशियल इंक्रीज करता जाएगा, जिसका लो पोटेंशियल है इस पॉइंट का पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ेगा और इस हाई पोटेंशियल का धीरे धीरे घटेगा, एक समय आएगा दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो ये जो फ्लो ऑफ चार्ज तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि फ्लो ऑफ चार्ज तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल ना हो जाए, ठीक है ना, ये जो है ना मूवमेंट ऑफ चार्ज, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, ये क्या है, मूवमेंट ऑफ चार्ज, मूवमेंट ऑफ चार्ज, मूवमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इन ए गिवन सर्किट, ठीक है, एक जो सर्किट है, ठीक है, या गिवन सर्किट बोलो या और थ्रू ए कंडक्टर, ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट, ये तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अब देखो, अब जो है फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज, ये देखो इलेक्ट्रिक चार्ज और मीनिंगफुल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। रियलिटी में क्या होता है ना कि पॉजिटिव चार्ज का कोई मूवमेंट नहीं होता है, मूवमेंट होता है नेगेटिव चार्ज का, ठीक है, उस जमाने में तो पता नहीं था, जब ये सब डेफिनेट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट सामने आया था पुराने जमाने में शुरुआत में, तो उस समय तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में कोई पता नहीं था किसी को,
सब कोई तो चार्ज के बारे में जानते थे कि दो तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और उसमें मान लिया गया था कि मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मेनली कहते ही थे मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है, इसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते थे। लेकिन आज के समय में तो ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट हो गया है कि दुनिया का हर चीज़ जो बना हुआ है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दुनिया का हर चीज़ बना हुआ है इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस में रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है, इसका कोई मूवमेंट नहीं होता है, न्यूक्लियस में ये दोनों इंटैक्ट पड़ा हुआ रहता है, एकदम अस्थिर रहता है, कुंभकर्ण के नींद की तरह सोया रहता है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। ये जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है उसी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से बाहर निकाल के हम लोग घुमा देते हैं, हम लोग फ्लो करवा देते हैं कंडक्टिंग वायर में। तो जब कंडक्टिंग वायर में यही घूमने वाला इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है आउट ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट से बाहर आ जाता है और वायर में फ्लो करने लगता है, तो उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, तो फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज रियलिटी में क्या होता है, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन हमको दिखता है कि पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हो रहा है। जैसे कि ट्रेन में हम जब चलते हैं, ट्रेन में बैठे रहते हैं या बस में बैठे रहते हैं, तो हम बाहर जब देखते हैं तो लगता है कि जो अर्थ है वो पीछे जा रही है, हम तो अस्थिर हैं, हमको ही कुछ नहीं हो रहा, हमारा बस अस्थिर है। तो बाहर खिड़की से बाहर देखने से कैसा लगता है, एक्चुअली चल तो रही है बस, बस आगे बढ़ रही है, ट्रेन आगे बढ़ रही है, लेकिन हमको दिखता क्या है कि ये जो धरती है ना, ये जो धरती है अर्थ है, ये पीछे की तरफ भाग रही है। तो वही हालत है यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में, एक्चुअली मूवमेंट होता है नेगेटिव चार्ज का, मतलब मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, पॉजिटिव चार्ज किसके चलते होता है, प्रोटॉन के चलते होता है, प्रोटॉन तो अपने जगह पे स्थिर रहता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है तो प्रोटॉन पीछे रह जाता है, लगता है कि वो पीछे भाग रहा है, ठीक है ना। तो यही बात है कि जब हम लोग ट्रेन और बस में बैठते हैं और बाहर की तरफ देखते हैं तो धरती पीछे भागती हुई नजर आती है, उसी तरह से एक्चुअली मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, नहीं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन हमको लगता है कि मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, क्योंकि मूवमेंट पॉजिटिव चार्ज अपने जगह अस्थिर है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ती है तो ये जो चार्ज है हमारा पॉजिटिव चार्ज वो पीछे छूट जाता है, और वो लगता है कि पीछे के डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो मूवमेंट ऑफ चार्ज है पॉजिटिव चार्ज जो दिखता है होता है मूवमेंट नेगेटिव चार्ज का, लेकिन दिखता है होता हुआ पॉजिटिव का, तो जो दिखता है उसको हम मान लिए हैं। तो इसीलिए पहले ज़माने में वो जो है मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को ही इलेक्ट्रिक करंट कहते थे, लेकिन आज तो हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग दोनों कॉन्सेप्ट को आज भी रखे हुए हैं। मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को या नेगेटिव चार्ज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। दोनों हम दे दिए अलग अलग, दोनों ही करंट है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा, ठीक है, एक आगे बढ़ेगा तो पीछे की तरफ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर पीछे जाता हुआ नजर आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर गया पॉजिटिव चार्ज इधर गया, अगर पॉजिटिव चार्ज उधर जाता हुआ नजर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं। तो रियलिटी में मूवमेंट किसका होता है, रियलिटी में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो गया हमारा कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, ठीक है। कन्वेंशनल करंट किसको बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब जैसे हम लोग बैटरी लेते हैं, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, ठीक है, जैसे ये बैटरी लेते हैं, ये बैटरी है, तो ये वाला एरिया जो ये क्या है, ये जो है ये ऊपर वाला, ये जो कैप लगा हुआ है, ये हुआ पॉजिटिव टर्मिनल,
और ये पीछे पार्ट क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ जिंक का कोटिंग रहता है, इधर जनरली कॉपर रहता है, इसमें कॉपर नहीं है, इसमें कुछ स्टील लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव। तो कन्वेंशनल करंट क्या होता है, अब इस दोनों को जब हम जोड़ देंगे वायर से, ऐसे वायर निकालेंगे, बीच में बल्ब या पंखा लगा देंगे कुछ भी, और इधर जोड़ देंगे, एक वायर इधर से निकालेंगे, ऐसे इधर जोड़ देंगे, तो करंट का फ्लो इधर पॉजिटिव से शुरू होगा, इधर से निकलेगा क्या चीज, पॉजिटिव चार्ज निकलेगा और यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हो रहा है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल करके वायर के थ्रू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ रहा है। तो बैटरी से बाहर जो मूवमेंट हो रहा है चार्ज का, वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन बैटरी के अंदर जब यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो फिर इसका ऐसे मूवमेंट होकर के वापस यहाँ आता है। तो बैटरी के अंदर मूवमेंट क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बैटरी के अंदर होके यहाँ पहुँच रहा है, तब ना सर्किट कम्प्लीट हो रहा है। तो बैटरी के बाहर जो मूवमेंट होता है उसी को हम लोग जनरली इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो बैटरी के बाहर या सेल के बाहर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो है पॉजिटिव टर्मिनल से निकला और वायर के थ्रू मूव करते हुए नेगेटिव टर्मिनल पर आया, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। और बैटरी के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है कि नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के अंदर से होता हुआ जो रॉड है अंदर में ग्रेफाइट का, उससे होता हुआ यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। तो बैटरी के बाहर जो मूवमेंट हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है एक्सटर्नल सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ उसका मूवमेंट हो रहा है, लेकिन बैटरी के अंदर हो रहा है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर, ठीक है। अब ये देखो होता क्या है, ये तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे आ रहा है और यहाँ पर है जिंक, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसे वायर के थ्रू घूमते हुए यहाँ आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट उल्टा, कन्वेंशनल करंट कैसा हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, ये कन्वेंशनल करंट हुआ। और नेगेटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है जो इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन निकलता है और पहुंच जाता है पॉजिटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, नेगेटिव चार्ज का जो मूवमेंट है, वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है बैटरी के बाहर, लेकिन बैटरी के अंदर क्या होता है, जब इधर से घूमते हुए यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रॉन, अब बैटरी के अंदर ये चला जाएगा ऐसे और यहाँ फिर वापस आ जाएगा। तो बैटरी के अंदर यहाँ कहाँ से गया, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, है ना। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे हो रहा है बैटरी के अंदर, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के अंदर, लेकिन बैटरी के बाहर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये दो तरह का जो है हमारा जो है करंट होता है, तो एक हो गया हमारा कन्वेंशनल करंट और दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक करंट, दूसरा हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। तो ये हो गया मूवमेंट ऑफ नेगेटिव, मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। ये दो तरह का करंट होता है और हम लोग समझाते हैं, जैसे कि ये बैटरी है ना, ये बैटरी है, ये बैटरी यहाँ पर कैप लगा हुआ है, कैप लगा हुआ है, ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो कन्वेंशनल करंट क्या होगा, यहाँ से निकलेगा और यहाँ आ जाएगा, ठीक है। कन्वेंशनल करंट क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज किधर हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, इसको बोलते हैं
कन्वेंशनल करंट, ठीक है, इसको हम लोग कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। अब इसी करंट को हम दूसरे तरीके से इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लेते हैं, ठीक है, इधर से इधर जा रहा है हमें, ठीक है, ये हुआ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट। और इधर हो गया हमारा कन्वेंशनल करंट, तो बैटरी के इधर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, दिखा देते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे ई नेगेटिव करके इलेक्ट्रॉन निकला, मूवमेंट शुरू हो गया, यहाँ पर ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो गया, यहाँ आया फिर यहाँ आया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। अब इधर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है, पहुँच गया पॉजिटिव चार्ज का, और इधर क्या हो रहा है, नेगेटिव, दोनों एक दूसरे के उल्टा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है ये पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है नेगेटिव चार्ज, तो दोनों एक दूसरे के उल्टा डायरेक्शन में दिख रहा है, एक जा रहा है ऐसे तो दूसरा जा रहा है ऐसे, अगर एक ही लाइन पे बनाया गया, एक ही लाइन पे बनाया गया तो ऐसे होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ऐसे जो हुआ ऐसे हुआ, ठीक है, और दूसरा लाइन हम ऐसे ही बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया हमारा कन्वेंशनल करंट हो गया, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट हो गया, ये तो दो तरह का करंट मिला, और ये बैटरी के अंदर, ये हुआ बैटरी के अंदर, बैटरी के अंदर देखो, जब इधर से जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, जब इधर से जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो बैटरी के अंदर यहाँ घुस गए, तो बैटरी के अंदर कैसा होगा, बैटरी के अंदर ये ऐसे जाएगा ना, बैटरी के अंदर ऐसे गया, तो बैटरी के अंदर इसका मूवमेंट कैसे है, उल्टा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है बैटरी के अंदर कन्वेंशनल करंट का, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है कन्वेंशनल करंट में बैटरी के अंदर, और इसमें जो है बैटरी के अंदर उल्टा, ठीक है, बैटरी के अंदर इधर से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, ऐसे यहाँ से घुस गया इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या है, उल्टा हो गया ना, ये उल्टा हो गया, तो बैटरी के अंदर भी दोनों उल्टा है, बैटरी के अंदर कन्वेंशनल करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट में बैटरी के अंदर नेगेटिव से ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, दोनों एक दूसरे के उल्टा है, बैटरी के अंदर भी बैटरी के बाहर भी, बैटरी के बाहर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वही हम लोग मानते हैं, बैटरी के बाहर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसी को हम लोग मानते हैं, तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन भी पढ़ लिए है ना, करंट का डायरेक्शन कैसे होता है, ठीक है, सोर्स ऑफ करंट क्या है, सोर्स ऑफ करंट क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, ये जो बैटरी है इसके अंदर क्या है, केमिकल्स है, जो बैटरी है ना, बैटरी के अंदर क्या होता है, केमिकल्स होता है, तो बैटरी के अंदर जो केमिकल्स होता है वो आपस में केमिकल रिएक्शन करता है, और केमिकल रिएक्शन करके जो नेगेटिव टर्मिनल है और पॉजिटिव टर्मिनल है दोनों के पोटेंशियल डिफरेंट, पोटेंशियल को डिफरेंट रखता है, सेम पोटेंशियल हो जाएगा तब तो बैटरी काम करना बंद कर देगा, ठीक है, जनरल ये मानते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना ये हाई पोटेंशियल है, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है उसका लो पोटेंशियल है, जनरली हम लोग क्या मानते हैं, जिधर पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम हाई पोटेंशियल मानते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग लो पोटेंशियल मानते हैं, ये जो हाई और लो पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए बैटरी क्या करता है, केमिकल रिएक्शन कंटिन्यू करते रहता है जब तक उस बैटरी को यूज करते रहेंगे,
जब तक उस बैटरी को यूज करते रहेंगे उस बैटरी के अंदर केमिकल्स डाला हुआ है, वो केमिकल्स आपस में रिएक्शन करेगा और दोनों ही पॉइंट का जो नेगेटिव टर्मिनल है और पॉजिटिव टर्मिनल है उसके पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा वो दोनों टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव का, तब तक करंट का फ्लो होता रहेगा, कन्वेंशनल करंट भी मिलता रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक करंट भी मिलता रहेगा। जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, दोनों ही टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का फ्लो ऑफ करंट बंद हो जाएगा। ठीक है, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसका पोटेंशियल हाई होता है, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसका पोटेंशियल लो होता है। तो जैसे जैसे बैटरी पुराना होता जाएगा यूज करने के बाद, वैसे वैसे पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल ड्रॉप करेगा और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो एक का घटेगा दूसरे का बढ़ेगा, तो एक समय आएगा दोनों बराबर हो जाएगा, और जैसे ही बराबर हो जाएगा बैटरी यूजलेस हो जाएगा क्योंकि नो फ्लो ऑफ करंट होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बंद हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बंद हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज का भी मूवमेंट होता हुआ हमको नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से करंट हमको तब तक मिलता है जब तक कि दोनों ही पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि करंट का डेफिनेशन। सोर्स ऑफ करंट बहुत तरह का है, उसमें सबसे सिंपल सोर्स ऑफ करंट जो हो गया वो हमारा बैटरी है। जनरेटर भी है हमारा सोर्स ऑफ करंट, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी के बाद बैटरा होता है बड़ा बड़ा, उसके बाद जनरेटर होता है। जनरेटर के बाद जो है हमारा बहुत सारा थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तैयार होता है, फिर वहाँ से आता है हम लोग। तो बहुत सारा सोर्स है, उसमें सबसे जो सिंपल फॉर्म ऑफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, सिंपल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो हमारे पास बैटरी या सेल है। इसीलिए हम लोग बैटरी सेल को आराम से लेते हैं और स्टडी करते हैं, क्योंकि इसको ईजी है हैंडल करना, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है, इसीलिए इसी से हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। बाद में धीरे धीरे सब कुछ पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके। तो हम लोग जो है अब इलेक्ट्रिक करंट का जो एक कॉन्सेप्चुअल है वो आइडिया आ गया। अब हम लोग क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी तो देखेंगे, यानी अब इलेक्ट्रिक करंट हमको दो तरह का हो गया, कन्वेंशनल करंट हो गया और इलेक्ट्रॉनिक करंट हो गया। इलेक्ट्रिक करंट दो तरह का हो गया, लेकिन ये अमाउंट ऑफ करंट भी तो हमको पता चलना चाहिए, अमाउंट ऑफ करंट भी तो पता होना चाहिए। तो अब हम लोग उसी को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग जो है क्वांटिटी ऑफ करंट का बात करते हैं। हम लोग बात करेंगे क्वांटिटी ऑफ करंट, कितना करंट पास करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटी ऑफ करंट। तो क्वांटिटी ऑफ करंट के लिए कुछ नहीं करेंगे, जैसे ये कंडक्टर है, ठीक है, ये जो एक कंडक्टर है तो इस पर ही हम लोग बात करेंगे। ओके, तो हम लोग क्वांटिटी ऑफ करंट का बात कर रहे हैं। तो क्वांटिटी ऑफ करंट क्या है? तो क्वांटिटी ऑफ करंट कुछ नहीं है, कितना चार्ज का फ्लो हुआ है, कितना चार्ज का फ्लो हुआ, उसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ करंट। तो जैसे मान लो कि ये सर्किट है, ये जो है कंडक्टर है, इस पर हमें एक ये पॉइंट ले लिया, पर्टिकुलर एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट पे देखते हैं कितना चार्ज पास हो रहा है, इस पॉइंट को ना कितना चार्ज पास हो रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ से Q चार्ज पास हुआ, है ना, Q चार्ज पास हुआ,
ठीक है, क्यू चार्ज पास हुआ और हम और टी सेकेंड में पास हुआ और इस क्यू चार्ज को इस पॉइंट को क्रॉस करने में टी सेकेंड लगा, ठीक है। मान लेते हैं कि क्यू चार्ज उस पॉइंट को पास किया है ना, करंट फ्लो हो रहा है इससे और करंट में जो चार्ज का फ्लो हो रहा है इस पॉइंट के और एक पॉइंट ले लेंगे कहीं भी जहां मन हो गया पूरे सर्किट में और उस पॉइंट पे देखेंगे कि उस पॉइंट पर देखेंगे कि कितना चार्ज पास हो रहा है और उतना चार्ज पास होने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो हम देखे टी सेकेंड तक ऑब्जर्व किए उसमें देखे कि क्यू चार्ज पास हुआ, क्यू चार्ज पास हो गया। तो गिवन टाइम में जितना चार्ज पास होता है उसी को तो हम लोग क्वांटिटी ऑफ करंट बोलते हैं, ठीक है। तो करंट का जो सिंबल है वो आई होता है, करंट का जो सिंबल होता है वो आई होता है, ठीक है। तो करंट क्या हो गया, चार्ज बाय टाइम, चार्ज बाय टाइम, चार्ज का सिंबल क्या होता है, कूलम, ठीक है, और टाइम क्या हो गया, सेकेंड। तो करंट क्या हुआ, नंबर ऑफ चार्जेस पास्ड पर यूनिट टाइम। तो करंट का डेफिनेशन क्या हो गया, करंट का डेफिनेशन क्वांटिटी ऑफ करंट, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ करंट ये क्या हो गया, नंबर ऑफ चार्जेस या क्वांटिटी ऑफ चार्ज बोलते हैं, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू ए पॉइंट इन द सर्किट, ठीक है, इन द सर्किट इन क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू अ पॉइंट इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, ठीक है। यूनिट टाइम में कितना चार्ज पास हो रहा है, तो ये हुआ रेट ऑफ पासेज ऑफ चार्ज। तो करंट एक तरह से हो गया रेट ऑफ पासेज ऑफ चार्ज, ठीक है, ये रेट हो गया। रेट का मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड पर यूनिट टाइम हो गया। तो इसी को लिखेंगे पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट का मतलब क्या होता है, उसे मैथमेटिकली क्या होता है, जिस पर यूनिट मतलब टाइम से भाग होगा, है ना, पर रुपीज मतलब क्या हो गया, रुपीज से भाग होता है। जैसे हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं दो रुपया पर केजी, मतलब 2 किलो का 1 रुपया, 2 रुपया पर केजी मतलब 1 किलो का 2 रुपया दाम है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 ऊपर में लिखेंगे 2 नीचे लिखेंगे, जो पर केजी है मतलब 1 नीचे आएगा, ठीक है। तो उसी तरह से क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड पर यूनिट टाइम जो हो गया ऊपर में क्वांटिटी ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, यही फॉर्मूला तो हम यहां लिखे, ठीक है ना, यही फॉर्मूला लिखे, करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, यही फॉर्मूला लिखे हैं, ठीक है। तो इसको हम और अच्छे से लिखेंगे, करंट हो गया आई और चार्ज हो गया हमारा क्यू और टाइम हो गया टी।
ठीक है। अब इसका यूनिट देखते हैं क्या होता है, क्यू का चार्ज है ना, तो इसका क्या होता है यूनिट, कूलम, ठीक है। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, सेकेंड, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको कूलम को शॉर्ट में कैपिटल सी लिखते हैं, सेकेंड को हम लोग एस लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कूलम पर सेकेंड लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कूलम पर सेकेंड। और इसी कूलम पर सेकेंड को हम लोग बोलते हैं एम्पीयर, ठीक है, या एम्पीयर किसको बोलते हैं, कूलम पर सेकेंड को। एम्पीयर किसको बोलते हैं, कूलम पर सेकेंड को। एम्पीयर क्या है, यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट क्या हो गया, एम्पीयर। एम्पीयर का मतलब क्या होता है, कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, कूलम बाय सेकेंड को हम लोग एम्पीयर बोलते हैं। एम्पीयर क्या है, एस आई यूनिट ऑफ करंट, ठीक है। एम्पीयर क्या है, एस आई यूनिट ऑफ करंट, क्लियर। तो हम लोग इस फॉर्मूला से यूनिट भी निकाल लिए, ठीक है। एम्पीयर इसको शॉर्ट में हम लोग से डिनोट करते हैं, तो यूनिट ऑफ करंट, तो यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ करंट, ठीक है। इसको यूनिट ऑफ करंट को क्या बोलते हैं, एम्पीयर, ठीक है। एम्पीयर का मतलब क्या होता है, कूलम पर सेकेंड और कूलम इनवर्स, ठीक है। यूनिट ऑफ करंट क्या हो गया, एम्पीयर। ये सारे जितना भी डिस्कस कर रहे हैं एसआई यूनिट, हम बोल नहीं रहे एसआई यूनिट, जो भी यूनिट यूज करेंगे हम लोग एसआई, बिना बोले जब यूनिट का यूज हो रहा है तो सारा एसआई यूनिट यूज हो रहा है। जब कोई दूसरा यूनिट यूज करेंगे तो हम बताएंगे कि हाँ ये यूनिट यूज हो रहा है। जब यूनिट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा, डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, मतलब हम एसआई यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितना भी यूनिट यूज किया गया है सारा का सारा जो है एसआई यूनिट है। तो हम लोगों ने क्या हुआ, करंट को डिफाइन कर लिया। करंट क्या है, आई, आई मैथमेटिकली अगर करंट को डिफाइन करना हुआ तो आई इक्वल टू क्यू बाय टी होता है, ठीक है। क्यू हो गया चार्जेस और टी हो गया टाइमिंग, ठीक है। तो करंट को डिफाइन कर लिया, करंट को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, करंट को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, रेट ऑफ पासेस ऑफ चार्ज, रेट ऑफ पासेस ऑफ चार्ज थ्रू ए पॉइंट, थ्रू ए पॉइंट इन द सर्किट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करंट, ठीक है, यानी नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ चार्जेस, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड पर यूनिट टाइम, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। अब करंट के यूनिट को हम लोग एम्पीयर, अब एम्पीयर को हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एम्पीयर को डिफाइन करेंगे, एम्पीयर, एम्पीयर क्या है, क्वांटिटी ऑफ करंट, एम्पीयर क्या है, क्वांटिटी ऑफ करंट, इट इज अ क्वांटिटी ऑफ करंट, ठीक है। व्हेन वन कूलम ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू अ पॉइंट इन वन सेकेंड, दैट इज कॉल्ड वन एम्पीयर, ठीक है। सो एम्पीयर इज नथिंग, इट इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ठीक है, से वन कूलम, ठीक है। तो एम्पीयर हम क्या हुआ, अगर नहीं भी देंगे इसको मत लिखते हैं, इट इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू ए पॉइंट, पास थ्रू ए पॉइंट इन वन सेकेंड, इट इज द वन, इट इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज
इन कूलर, इन कूलर, इन कूलम, इट इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन कूलम पास्ड थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया एम्पियर का डेफिनेशन। अब 1 एम्पियर का मीनिंग क्या हुआ? 1 एम्पियर का मीनिंग क्या हो गया? 1 एम्पियर का मीनिंग हो गया 1 कूलम पर सेकेंड। यही लिख सकते हैं, 1 कूलम पर सेकेंड। 1 कूलम पर सेकेंड को ऐसे लिखेंगे, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 कूलम पर सेकेंड। इसका मीनिंग क्या हो गया? 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज जब किसी पॉइंट से पास करता है तो बोलते हैं 1 एम्पियर ऑफ करंट पास कर गया। ठीक है, अगर हम यहां लिखें 4 एम्पियर, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? 4 कूलम पर सेकेंड, मतलब 4 कूलम पर सेकेंड। इसको क्या लिखेंगे? 4 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। इसका मीनिंग क्या हो गया कि 1 सेकेंड में पर्टिकुलर पॉइंट से 4 कूलम चार्ज पास हो गया। अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से 4 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास हुआ तो 4 एम्पियर ऑफ करंट वहां से पास कर रहा है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगर लिखा हुआ है ना 9 एम्पियर, इसका मीनिंग क्या हो गया? 9 कूलम पर सेकेंड, 9 कूलम पर सेकेंड। इसको हम क्या लिखेंगे? 9 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। इसका मीनिंग क्या हो गया? एक पर्टिकुलर पॉइंट से 9 कूलम जो है चार्ज पास हो रहा है कितना देर में? 1 सेकेंड में। कितना देर में? 1 सेकेंड में। ठीक है, तो ये मीनिंग हुआ हमारा एम्पियर का, ये डेफिनेशन हो गया एम्पियर। एम्पियर मतलब कूलम पर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग जो है करंट को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। करंट को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में बात करेंगे, उसका नाम है अमीटर। ठीक है, उसका नाम क्या है? अमीटर। अमीटर से हम लोग नापते हैं। ठीक है, अमीटर से हम लोग नापते हैं। क्या चीज नापते हैं? करंट को नापते हैं। ठीक है, तो अमीटर क्या चीज नापता है? करंट को नापता है। तो हम कैसे सर्किट में जोड़ेंगे? ये तो करंट को नापता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस नापता है वोल्ट मीटर, तो उसको क्या करते हैं हम लोग? पैरेलल लगाते हैं और उससे करंट पास नहीं होने देते हैं, उसमें हम हाई रेसिस्टेंस रखते हैं। अमीटर है, इसको नापना है करंट, तो सारा करंट इससे पास होगा तभी तो ये करंट को नापेगा, इसलिए इसको हम लगाएंगे सीरीज में। ठीक है, जैसे हमको पता करना है कि इससे करंट कितना पास हो रहा है, ये जो सर्किट है इससे करंट कितना पास हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम काट देंगे तार को। ठीक है, यहाँ पर तार को काट देंगे, इससे देखना है कि हमको करंट कितना पास हो रहा है, और इसमें काट करके उसको कनेक्ट कर देंगे हम। यहाँ पर अमीटर लगा दिए, अमीटर का सिंबल यही है, बोल करके ए लिख दो उस पर, वो हो गया अमीटर। ये क्या हो गया? अमीटर। अमीटर में क्या होता है कि जिस सर्किट का हमको पता करना है कि इस सर्किट